आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी औषधि के बारे में जिसका यूज स्किन केयर एंड हेयर केयर में सबसे ज्यादा होता है, जिसका नाम है मुलेठी चेष्टी मधु। ये इतनी ज्यादा कारगर एंड यूजफुल है कि इजीली मार्केट के अंदर सब जगह पे मिल जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुलेठी के फायदे के बारे में एंड मुलेठी के गुण के बारे में। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी चैनल मिस्टर थेरेपिस्ट। मैं हूँ जेरी पटेल, आई एम अ थेरेपिस्ट। आई एम डूइंग इज़ एन कपिंग थेरेपी, लिश थेरेपी, अग्निकर्मा, नश्यकर्मा, नाड़ीपैथी एंड स्वयं प्रक्षालन। मुलेठी का जो नेचर है वो गुरु मिस भारी एंड स्निग्ध है। इसका जो टेस्ट है वो स्वीट मीठा होता है, ठंडे नेचर की होती है। हमारी बॉडी में जो सब धातुएं है उसमें सबसे ज्यादा असर शुक्र धातु पे दिखाती है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डल रहती है, आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे है, जरा भी ग्लो नहीं, चमक नहीं, तो मुलेठी के पाउडर के अंदर थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करके उसको पूरे फेस पे लगाया जाए तो आपकी स्किन की जो रौनक है उसको बढ़ाती है, स्किन का जो नेचुरली ग्लो है उसको भी बढ़ाती है, आपकी स्किन की रंग को साफ करती है, स्किन के ऊपर अगर कोई भी टिप के दाग धब्बे है उसको ये रिमूव करती है। जिनके बाल बहुत ही ज्यादा गिरते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जिनके बाल बीच में से डैमेज है जिसकी वजह से टूट जाते हैं, या फिर जिनके बाल बहुत ही ज्यादा रफ है, झाड़ू के जैसे रफ हो गए हैं, अगर मुलेठी के काढ़े से अपने सर को वॉश किया जाए तो हेयर से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम को एक खत्म करता है और नेचुरली आपके बालों के ऊपर चमक बढ़ाता है। फैटी लीवर, लीवर में सूजन आ जाना, लीवर में कोई और तरह की प्रॉब्लम है, तो मुलेठी का काढ़ा पीने से ये आपके लीवर की प्रॉब्लम को खत्म करता है और आपके लीवर को ये डिटॉक्स करता है। बार बार जिनको मुंह में छाले पड़ती है, स्पेशली वो लोग जिनका कीमोथेरेपी शुरू होता है, अगर कोई और मेडिसिन हैवी खाने की वजह से बार बार मुंह में छाले पड़ जाना, ऐसे लोग जिनको पेट में अल्सर है, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है चेष्टी मधु को शहद के साथ मिक्स करके, मध के साथ मिक्स करके चटाया जाए तो सभी तरह के छालों को एक खत्म करती है, भर देती है। बार बार जिनका गला बैठ जाता है, गले में खराश रहती है, फिर जिनको बार बार खांसी हो जाती है, जिनको बार बार कफ हो जाना, तो इन सभी कंडीशन में मुलेठी का काढ़ा दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा आराम आता है। मुलेठी जो ब्लड की सर्वश्रेष्ठ औषधि है, खून को रोकना, खून को साफ कर एंड खून को बढ़ाना, ये तीनों काम करती है मुलेठी। अगर आपकी बॉडी में से खून निकलता रहता है, जिनको पाइल्स की वजह से बॉडी में से खून निकलना, महिलाओं में पीरियड्स में ज्यादा खून निकलना, फिर कट्स लगने की वजह से ज्यादा खून निकलना, तो खून को रोकने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ औषधि है। जिनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, गोलियां खाने के बावजूद खून की मात्रा कम रहना, खून ना बढ़ना, ऐसी कंडीशन में अगर मुलेठी को लिया जाए तो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली खून को बढ़ाती है। ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को फीडिंग करवाती है और उनको मिल्किंग की प्रॉब्लम हो रही है, मिल्क नहीं बन रहा, अगर मिल्क बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में बनता है, तो एक चम्मच मुलेठी का पाउडर, एक चम्मच शतावरी का पाउडर, इन दोनों पाउडर को एक गिलास दूध के अंदर अच्छी तरह से पकाए, जब दूध आधा बचे तो उसके अंदर आप डालें दो चम्मच मिश्रिका पाउडर। डेली मॉर्निंग अगर इस मिश्रण को दिया जाए तो उनको बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। मुलेठी को आप पाउडर फॉर्म में, काढ़ा के फॉर्म में, क्वाथ के फॉर्म में ले सकते हो। मुलेठी का जो टुकड़ा होता है उसका मुंह में रख के भी यूज कर सकती हो। मुंह में उसको रखने से आपके गले में खराश होगी, आपकी आवाज अगर बैठ गई होगी तो उसको साफ करता है। और मुलेठी को पानी के साथ, दूध के साथ, शहद के साथ, घी के साथ भी लिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कौन सी, आपको कौन सी तरह की बीमारी है। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।